अंकित होगा। देखिए विधानसभा में नियम 130 के तहत केवल सिंह पठानिया अपने राजन अजय और चंद्रशेखर जी ने चर्चा लाई और विडम्बना देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो सभी विधायक है वो आज कोई मतलब नहीं था वॉकआउट करने का, आपने देखा, लेकिन वो कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हो रही थी उस चर्चा में भाग लेने से के लिए लेना ही नहीं चाहते थे, तो भागना चाहते थे और जब वो भागना चाहते थे तो उन्होंने एक भागना पकड़ा, स्पीकर साहब ने अपमानना की बात कही और उसके आधार पर उन्होंने चर्चा में भाग लिया। मैंने अंदर विधानसभा में पूरे प्रश्न थे उनका उत्तर दिया और कहा पेपर लीक होते थे, पेपर बेचे जाते थे, 22 आदमी को अरेस्ट कर लिया गया और जो और आदमी है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी इसमें सब्जेक्ट पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक करवाया जाता था, 50,000 2-2 लाख 2.5 लाख में भी पेपर बेचा जाता था और पूरा आंसर शीट भी मैंने आपको बताई कि आंसर शीट के पेपर भी उनको बता दिए जाते थे और उस आधार पर उनका चयन होता था। हमने ये कहा है कि जब तक नया कोई चयन आयोग नहीं बन जाता तब तक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हमारी पोस्टें भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नया चयन आयोग जब तक नहीं बन जाता तब तक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही सभी एग्जाम्स को लेगा। क्या राजनीतिक संरक्षण भी इसके अलावा जो भी राजनीतिक लोग इसमें कोई सम्मिलित पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी हमारी सरकार कड़े से कड़ा कदम उठाएगी। जिन युवाओं के अभी टेस्ट नहीं हुए हैं लेकिन उनके पेपर लीक हो गए हैं, अगर उनकी एज उस समय जब उन्होंने फॉर्म भरा था उस समय 45 साल से नीचे थी तो उनकी एज में भी हमने रिलैक्सेशन दे दिया है और जो एग्जाम अभी पब्लिक सर्विस कमीशन करवाएगा उसमें भी उनकी रिलैक्सेशन को माना जाएगा। जो नया चयन आयोग जो बनेगा उसके लिए दीपक सानंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया गया, 3 सदस्य जो अपनी रिपोर्ट जल्दी ही सरकार को देगी और उसके बाद जो नया आयोग होगा वो हमीरपुर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं खोला जाएगा। उस दृष्टि से जो चयन कमेटी है हमारी वो पारदर्शिता कैसे बने, कैसे पेपर लीक ना हो, उस दृष्टि से काम करना उसने शुरू कर दिया और आने वाले समय में जल्दी ही नए आयोग का गठन करके हमीरपुर में उसका कार्यालय को स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक सभी जो एग्जाम होंगे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन देगा। सदन में देखो पुलिस पेपर भर्ती मांग की जो बात है उसमें प्रक्रिया चल रही है, हम देख रहे हैं कि कैसे उसमें आगे बढ़ा जाए। सीबीआई उसमें इंक्वायरी कर रही है, अब ये कि चीज के लिए 2 एजेंसियों का काम नहीं किया जा सकता, सीबीआई के रिपोर्ट आने के बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो नियुक्तियां हुई इसमें हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और बीजेपी की सरकार आंखें बंद करके बैठी रही और आज चर्चा में भी नहीं भाग लेना चाहती थी इसलिए उठकर चली गई। तो ये सबसे बड़े दोषी कौन है जो उस 5 साल में आंखें बंद करके बैठे रहे और आज जब चर्चा उनको पता था कल से चर्चा लगी थी, कोई प्रश्न होता उसका जवाब ना मिलता उस पर भागते, लेकिन किसी ना किसी बहाने से वो सदन का वॉकआउट करना चाहते थे और इस चर्चा से जो कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में भ्रष्टाचार हुआ है, जो कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर लीक है उससे भागना चाहते थे और उस चर्चा में भागना लेकर उन्होंने वॉकआउट का रास्ता अपनाया। लेकिन सरकार गंभीर है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का न्याय चयन योग होगा
स्कॉलर यूनिफाइड सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊना, एडमिशन ओपन नर्सरी टू ट्वेल्थ क्लास, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स, एफिलेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। आज ही संपर्क करें 9418474202। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय शिवाजी पब्लिक हाई स्कूल महादेव सुंदरनगर, एडमिशन ओपन नर्सरी टू टेंथ क्लास। अभी कॉल करें 6230090491। एडवांस टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर, जहां पर आप कर सकते हैं कंप्यूटर कोर्स, ए लेवल, ओ लेवल, DCA, PGDCA, स्टेनो, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, एंटिटी के साथ साथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज जैसे CCC, AutoCAD, टैली, GST के साथ साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं कोचिंग क्लासेज जैसे NDA, JEE मेन, नीट, HP TET, BSc नर्सिंग, BSc एग्रीकल्चर, पटवारी, आर्मी, पुलिस, क्लर्क, JEE सिविल, JEE इलेक्ट्रिकल भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी क्लासेस की ट्यूशन एवं इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग भी दी जाती है। संपर्क करें एडवांस टेक्नोलॉजीज नियर SDM ऑफिस सुंदरनगर और नियर महावीर पब्लिक स्कूल सुंदरनगर, 9459046465। स्कॉलरशिप भी मिलती है, रजिस्ट्रेशन ओपन, हरी अप। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने पूरा करेगा वशिष्ठ पब्लिक स्कूल। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन BPS की पाए है सुपर फाइन। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू ट्वेल्थ। वशिष्ठ पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE दिल्ली। एड्रेस चंडीगढ़ ऊना हाईवे बडाला ऊना हिमाचल प्रदेश। कॉन्टेंट 9816052160। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। A1 फैमिली ब्यूटी सैलून, हेयर ब्यूटी, मेकअप, नेल आर्ट, नेल टैटू, ब्राइडल मेकअप, सभी सर्विस पर 20% की छूट। A1 फैमिली ब्यूटी सैलून नियर एक्सिस बैंक हमीरपुर रोड ऊना। न्यू क्रिसेंट स्कूल provides quality and value-based education for the overall development of students capable of making contribution to a good society. School also provides competitive exams, coaching along with the regular classes. School is awarded with National Best Teacher Award, Mr. Vijay Sharma, Director, New Crescent, and also with National Best School in Academic. Principal of New Crescent is doing wonderful work on the students to stand out in their lives. Playway provides children with an opportunity to learn under Playway methods with motherly affection of teachers. Special emphasis is given on spoken English, various educational tours and picnics for better learning. Well-furnished and spacious school library. Studying physics is a great way to gain insight into the laws of nature that can be used to explain the many phenomena of the world. With latest instruments to develop skills and innovative ideas among students. School has well-educated and qualified team of dedicated teachers. BioLab. Students learn here about life science in well-equipped and spacious lab. In real, we focus more and more on life building by practicals. Students learn vision and direction here for the doctors of tomorrow. Students study life at various levels with mixture of lectures and lab work. School has well-furnished and fully loaded high-tech computer lab
individual system to each student with internet facility. Chemistry is an incredibly important field of study due to its wide range of applications in various fields. Students perform experiments in fully equipped spacious chemistry lab under the supervision of qualified teacher with modern day need based instruments. Sports education is an integral part of academic learning. Indoor and outdoor sports facility to students to make them physically and mentally fit. It also leads to the development of personality of an individual. For junior wing, school has separate science lab to do scientific activities to come out with their hidden talent. School is fully protective and safe with all essential standard and parameters. School has separate music room equipped with all types of musical instruments. Equal emphasis is given on cultural activities to make the students cultured and moral. School celebrates different national festivals which bring joy and change in one's life. School obeys all essential safety standard and parameters. School also provides transport and hostel facilities.